हरे हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत लाल हनुमान के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए, रहा जान याद ही नहीं, याद ही सुनने में सिर्फ गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इस कथा को सुनिए और रहस्य जानिए। एक बच्चा था, उसको माँ बनाई थी भोजन। भोजन में क्या बनाई थी? दूध पीठी बनाई थी। तो ये बच्चा को लग रहा था, माँ मुझे जल्दी से दे दे भोजन। कोई बच्चा को हौसला होता है, ठीक उसी तरह वो बच्चा भी जिद कर रहा था कि माँ मुझे जल्दी दो। लेकिन माँ नहीं सुनी। ये बच्चा क्या किया कि कलछुल डाल दी तसला में, और डाल के और निकाल दिया, और कच्चे खाने लगा। तो उसको माँ डंडा लेके दौड़ी कि अरे कच्चे खा रहा है तू, उठा के पटक देंगे, घर से निकाल देंगे, ऐसे कह के। और माँ इसको दूर तक दौड़ी। ये बच्चा जो था, जो हाथ में दूध पिट्ठी ले और भाग गया। और माँ बोली कि जब तू आओगे तब तुम्हें मारेंगे, इतना मारेंगे घर नहीं ढूंढने देंगे। बच्चा डर गया और बहुत दूर चल गया। बाद में चल गया। अब पूरा रात हो गया। बेचारा हाथ में दूध पीठी लिए बैठा था और भगवान के याद कर रहा है, हे भगवान हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हम एक छोटा बालक हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं, भगवान कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी तो ज्ञान दे दीजिए। हे महादेव, आप नगर को रखवाली करते हैं, मुझ बालक पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए भगवान। ऐसे कह के बेचारा सोच रहा है, इतना ही में उसको लगा कि अरे हम हाथ में दूध पीठी ले हैं, इसको रोक देते हैं, जलम जाएगा। वो बच्चा को पता नहीं था कि अनाज सीझा हुआ है, ये कैसे जलम सकता है। लेकिन भगवान की याद करके कह रहा है, हे भगवान हम अपना दूध पीठी को रोकते हैं, इसको पेड़ बना दीजिए भगवान, कुछ ऐसा पेड़ बन जाए कि जिसके हम खा के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी भगवान, भगवान से आराधना कर रहा है बेचारा। और ऐसा कह के सोच के और उसको रोक दिया। तो माता पार्वती सुन रहे हैं और अपने पति से बोल रहे हैं, शंकर भगवान से, कि देखिए ना, एक बच्चा है पृथ्वी पर, वो लालसा लगा के एक दूध पीठी रोक दिया है। बताइए कि यदि पेड़ नहीं जलमेगा तो बच्चा टूट जाएगा, उसको आसरा खत्म हो जाएगा, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए उसके लिए। महादेव कहते हैं, अरे उसमें जीव कैसे हो जाएगा, वो पौधा कैसे बनेगा? ये महादेव पार्वती कहते हैं, आप किसी भी रूप में वहाँ पर जाके और उसको एक पेड़ लगा दीजिए कि जिसमें वो बच्चा का खुशी हौसला बढ़ जाए। महादेव कहते हैं, ठीक है आप कहते हैं तो वहाँ पे वो एक पेड़ जलम जाएगा, आप इसके लिए मत चिंता कीजिए। वहाँ पे एक गुल्लर का पेड़ जलम गया तो बच्चा बहुत खुश हो गया और देख रहा है कि अरे सचमुच में मेरा दूध पीठी जलम गया। और ऐसे बेचारा हाथ जोड़ के कह रहा है, अरे दूध पीठिया मेरा जल्दी से बड़ा हो जाओ, हम क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, जल्दी से बड़ा हो जाओ। वो पेड़ बढ़ने लगा, 7 दिन में वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि जैसे लगे कि बरसों का पेड़ है, उतना बड़ा हो गया। शंकर भगवान का दया था, महिमा था, पेड़ जल्दी से बड़ा हो गया। उस पे बच्चा चढ़ गया और कह रहा है, पत्ता खाते खाते तो भूख नहीं मिटता है, अरे दूध पीठी जल्दी से फर जाओ, तू फर जाएगा तो हम जल्दी से भोजन कर लेंगे, तू जल्दी से फर जाओ। वो दूध पीठी फर गया तो क्या फरा? गुल्लर फरा, क्योंकि गुल्लर का पेड़ जलना था इसलिए गुल्लर फरा। इतना फल लगा कि जिसमें कहना नहीं। ये बच्चा बहुत ललित था, बहुत खुश था कि मेरा पेड़ दूध पीठी फर गया, मेरा और दूध पीठी ही सोचा था कि ये दूध पीठी, उसे नहीं पता था कि क्या फल है।
वो बेचारा कहने लगा, अरे फर तो गया है, जल्दी से पक जाओ हे भगवान, मेरा पिठी जल्दी से पक जाए भगवान, जल्दी से पक जाए। पकने लगा वो बेचारा, तोड़ तोड़ के खाने लगा। खाते खाते बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया। उसी कूलर पे रहता था बेचारा, नीचे आता था वो बेचारा, लेटरिन बाथरूम सब कर लेता था, लेकिन उसी कूलर पे चढ़ के रहता था। एक दिन का बात है कि एक बुढ़िया ठगिन थी, एक बुढ़िया ठगिन हथियारी थी, ये राक्षसिनी थी बुढ़िया। वो बच्चों के पकड़ के घर लाता था और घर में बच्चों को काट के कूट के और भोजन करता था, करती थी बुढ़िया। एक बुढ़िया ठगिन गई और जाके कूलर के नीचे खड़ी होके और कह रही है बुढ़िया, अरे कौन है बेटा, कौन है बेटा, हमको बहुत जोर से भूख लगा है बेटा, जरा हमें भी दे दो बेटा। तो बेचारा ऊपर कूलर पर से कह रहा, मामा गिराते हैं, आचल छानो मामा, आचल छानो, बोल रही है बुढ़िया। नहीं बेटा, उतर के दे दो बेटा, आँचल में गिराओगे तो अचरायन हो जाएगा बेटा, दाग लग जाएगा आँचल में बेटा। एक बच्चा कह रहा, मामा नीचे गिरा देते हैं। एक कह रही है बुढ़िया, अरे बेटा मिट्टी लग जाएगा, भुयाइन हो जाएगा बेटा, कौन खाएगा। नहीं बेटा, नीचे उतर के दे दो बेटा, ऐसे कर रही है। बेचारा बोला, मामा हाथ छानो, मामा हाथ छानो। एक कह रही, अरे बेटा चोट लगेगा, मेरा हाथ टूट जाएगा बेटा, हाथ कैसे छान सकते हैं। नहीं बेटा, हम बूढ़ी हैं, मेरा शरीर थर थर काँपता है बेटा, नहीं हाथ में छनाएगा बेटा, उतर के दे दो बेटा। ये बोल रही, मामा मुँह फाड़ो, मुँह में दे देते हैं मामा, मुँह में दे देते हैं। अरे बेटा आँख में चोट लग जाएगा, मेरा आँख फूट जाएगा, ऐसे करके बुढ़िया पूरा अपना दुख दर्द बातें किया। बेचारा सोच रहा है कि अरे दे देते हैं उतर के। ये बेचारा बहुत सारा तोड़ के और उतर के देने आया। ये बुढ़िया क्या किया कि वो बच्चा को पकड़ लिया और बच्चा को पकड़ के बुढ़िया में बंद कर दिया, बुढ़िया में बंद करके और बांध के और बच्चा को ले जाने लगा। वो बच्चा सोचता, अरे आज हम बुढ़िया ठगिन के फेरा में पड़ गए हैं, बुढ़िया हमको आज क्या करेगी पता नहीं, अब क्या करें। हे भगवान आप ही सहारा हैं, आप मुझे सहारा कीजिए महाराज। जब हम घर से निकले थे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक पिठी था वो रोक दिए और वो पौधा जलम गया, भगवान मुझे आप मदद कीजिए। हे भगवान कुछ तो रास्ता बताइए। शंकर भगवान सोच रहे हैं, आज बच्चे को ये बुढ़िया खा जाएगी, मैं अगर जो बुढ़िया खा जाएगी इस बच्चा को तो दुनिया संसार में कोई नहीं रहेगा मेरा भक्ति करने वाला। छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी मेरा भक्ति करता है, दिल से अपने दिल में रखता है मुझे, क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बुढ़िया आगे गई तो एक पोखरा मिला, उस पोखरा में पानी था, बुढ़िया का कस के लैट्रिन लग गया। तो ये बुढ़िया सोचती है कि अब तो अगर जो नहीं रखेंगे तो मुझे साड़ी में करना पड़ेगा, अच्छा रख देते हैं और कर लेते हैं हम अपना, फ्रेश हो जाते हैं। वो बुढ़िया फ्रेश होने के लिए चल गई और ये आहरा पे ऊपर पोखरा पे धर दिया अपने बुढ़िया को। बुढ़िया बेचारा दांत से धीरे धीरे काट के निकल गया और निकल के और क्या किया कि ईटा पत्थर और जो बैर उर का काटा था, धींदी था, वो बुढ़िया में सैंत दिया, बुढ़िया में सैंत के और चल दिया बच्चा वहाँ से दौड़ आके उसी गुल्लर के ऊपर चढ़ गया। एक बुढ़िया उठाई बोड़ा और सर पे रखी और वहाँ से चल दी बुढ़िया। कहाँ चल दी, अपना घर चल दी। घर में एक नातिन रहती थी और उसके साथ ही एक बुढ़िया रहती थी। उसको बोली अपने नतनी को, बेटी लाई हूँ शिकार, जरा मदद करो उतारो। वो जो नतनी थी वो उतार के रखी और बुढ़िया खोली तो देख रही है कि इसमें ईटा और पत्थर और काटा है। बोल रही, नानी इसमें ईटा और पत्थर और काटा है, नानी बच्चा नहीं है, कोई शिकार नहीं है। ये बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, लगता है भाग गया, कल लाएंगे पकड़ के बेटी, कल लाएंगे, ऐसे करके। और बेचारी अपने बुढ़िया रक्षिनी जो थी वो अपने नातिन के साथ रात बिताई। जब सुबह हुआ तो फिर बुढ़िया ठगिन वहीं चल गई वो रक्षिनी और जाके पूरा रिकटने लगी
वो बेचारा कूलर में पर चढ़ा था, वो नहीं उतर रहा था, लेकिन ये बुढ़िया इतना कर दी, इतना तंग कर दी कि उसको लाचार होके उतरना पड़ा। उतरना पड़ा ये बुढ़िया दबोच के पकड़ी, और दबोच के पकड़ के ये बुढ़िया में बंद करके और ले जाके एक ही बार घर में रखी। घर में रखी और जाके बोली अपने नातिन से कि देखो लाए आज पकड़ के, इसको काट के बनाना, कूट काट के बनाना बेटी, अच्छा से बनाना, मज़ेदार भोजन बनाना। ये नतनी जो थी वो खुश थी, बोली कि ठीक है नानी बनाएंगे, लेकिन दोनों मिल के काटेंगे। बोला हाँ हाँ काटेंगे बेटी, हम काटेंगे दोनों मिल के, इसको कूट कूट के काटेंगे और बनाएंगे। बोला ठीक है, इसको खोल दिया बुढ़िया, बुढ़िया खोल के निकला। बुढ़िया खोल के निकला तो ये बेचारा सोच रहा है कि आज ये बुढ़िया हमको खा जाएगा। अपना माँ को याद कर रहा है बेचारा कि माँ तू एक बात बोली थी, एक डंडा लेके मारी मारने को हमको की थी मम्मी, हम भाग गए थे घर से माँ, हम एक गुल्लर को दूध पीठी रोपे वहाँ पर जलम गया और उस दूध पीठी पे हम रहने लगे माँ, फल खाने लगे या जीवन बिताने लगे। आज माँ हम बहुत कष्ट में है माँ, मुझे रक्षा करो माँ, हे भगवान मुझे रक्षा कीजिए, इस बुढ़िया से मुझे बचा लीजिए, हे शंकर भगवान इस बुढ़िया से मुझे बचा लीजिए, माँ मेरे लिए याद करो माँ, मैं तुम्हारा संतान हूँ माँ, मुझे याद करो माँ। बेचारा उस समय अपने माता को याद करने लगा, माता को जब याद करने लगा इसको माता बेचैन हो गई कि मेरा बेटा कहाँ है, इतना दिन से मुझे नहीं मिला, आज मेरा बेटा पे लगता है कष्ट है, आज ज़रूर कोई बात है जो मेरा मन घबरा रहा है, आज लगता है कुछ अलग अपने पति से कह रही है बेचारी कि देखिए ना इतना वर्षों बीत गया लेकिन मेरा बेटा का याद कभी नहीं आया, आज हम बहुत व्याकुल हैं। वो बेचारी शंकर भगवान के मंदिर गई, शंकर भगवान के मंदिर गई और जाके कह रही कि भगवान मेरा बेटा वापस लौटा दीजिए, हम बहुत बड़ा गलत किए कि बेटा को मार के भगा दिए हैं, भगवान मुझे पुत्र लौटा दीजिए, भगवान मेरा पुत्र को रक्षा कीजिए। शंकर भगवान रक्षा किए, यही किए कि वो बुढ़िया तो बेचारी क्या की कि वो रात में वो छोड़ दी, नहीं काटी कुटी और रात में छोड़ दी, और ये जो बच्चा था और उसको नतनी जो एक जगह सोई और बुढ़िया अलग सोई, और दोनों रात भर बातें किया। और बेचारी ये जो लड़की थी वो कह रही है कि अरे तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा बाल कैसे है रे, इतना तू सुंदर कैसे है, थोड़ा मुझे भी बताओ ना। ये बेचारा कहता है तू नहीं जानती है मेरा बाल इतना कैसे है, मेरा इतना बाल इसलिए है कि मेरी माँ जो थी वो एक पोखरी में करके एक समाट से मुझे कूट दी थी, और जब समाट से कूट दी थी तो मेरा बाल बहुत बड़ा हो गया और हम सुंदर भी हो गए। ये कहती है अरे मुझे भी कूट देना रे, हम भी सुंदर हो जाएंगे, मेरा बाल भी बड़ा हो जाएगा। ये कहती है ठीक है कूट देंगे, लेकिन आज नहीं, रात में नहीं, कल कूटेंगे, जब तुम नानी नहीं रहेगी ना तब कूटेंगे, ऐसा करना, भोरे तुम मत मारना, सुबह सुबह हमको नानी को सब्जी रोटी भात बना के दे देना, और जब हम तुमको सुंदर बना देंगे तो कल शाम को हमको कूट देना। बोली कि ठीक है। ए बोली कि अरे तुमको जब कूटेंगे तो तुम्हें दर्द होगा तो तू चिल्लाएगी। ये बोली नहीं चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाएंगे। ये बोले ठीक है मत चिल्लाना। जब सुबह हुआ तो उसको नानी बोली अरे लाओ मांस को काटते हैं, काट के बनाते हैं। ये बोली नहीं नानी अभी नहीं, शाम में अभी नहीं, जाओ पहले तू मांग के खा, मांग लाओ खा लो, जाओ इधर उधर घूम लाओ, आओ शिकार के ले आओ नानी। ऐसे कह के बुढ़िया के चला दिया, बुढ़िया के चला दिया, वो चल गई बुढ़िया। बुढ़िया जब चल गई तो ये कही, ये बोला लड़का कि अब ऐसा करो हम भी खा लेते हैं, तुम भी खा लो, और उसके बाद तू सुंदर सा कपड़ा पहन लो, और कपड़ा पहन के और तू अपना कपड़ा मुझे दे दो और मेरा बड़ा कपड़ा तू पहन लो, और तुम्हें हम कूट देते हैं, सुंदर हो जाएगी और तेरा बाल बड़ा बड़ा हो जाएगा। बोले ठीक है। ये क्या किया कि उसको ओखरी में करके और ढेकी से कूट दिया समाट से, मुंह में कपड़ा डाल दिया, हाथ को बांध दिया, ना छटपटाया ना चिल्लाया, और उसको झट से कूट दिया खचखचा के। वो बेचारी का जान चल गया, बेचारी तो नहीं थी, वो भी एक राक्षसी थी,
ओ जान चल गया। ये क्या किया कि झटपट उसको बनाया, कढ़ाई में सिझा दिया, सिझा के बना उना के फिट कर दिया। शाम में बुढ़िया आई, बुढ़िया आई तो उसको भोजन परोस के दे दिया। दे दिया तो बुढ़िया जैसा ही भोजन के लिए बैठाई बैठी, जैसा ही एक बिलरिया आके और कहती है, चट बुढ़िया पट बुढ़िया, नतनी के मांस बुढ़िया, कटर मटर ओखरी में डाल बुढ़िया, ढेकी से कूट बुढ़िया, कढ़ाई में सिझाओ बुढ़िया, नतनी के मांस बुढ़िया, कटर मटर चट को बुढ़िया पट को बुढ़िया, ऐसे कर रही है बिलैया। तो ये कहती है, देखो नानी बिलैया कैसे करती है, नानी देखो ना नानी बिलैया कैसे करती है नानी। सब भगवान से मनाई, हे भगवान इसको नतनी वाला मुझे रूप दे दीजिए, भगवान मेरा लाज बचा लीजिए, मेरा जीवन तो बचा लिए हैं लेकिन इस बुढ़िया से भी मुझे बचा लीजिए, अगर जो बुढ़िया जान जाएगी तो मुझे भी खा जाएगी। भगवान उसका नतनी का रूप इसको दे दिए, भगवान चेहरा बना दिए। इसको बुढ़िया का समझ में नहीं आया, जब बुढ़िया का समझ में नहीं आया ये मज़े से खा लिया नतनी का मांस। इसको बोली बुढ़िया कि तू खाओ, तू भी खाओ, मुझसे ज़्यादा तू खाती थी, आज तुम्हें क्या हो गया, तू नहीं खा रही हो। ये कहती है बुढ़िया, ये बेचारी बोली, ये बेचारा बोला, नानी आज मुझे खाने का मन नहीं है, नानी आज मांस नहीं खाएंगे, आज हम बनाए हैं मेरा जी घबरा गया है, आज नहीं खाएंगे। ये बेचारा नहीं खाया। ओ बुढ़िया खूब कटर मटर खाई और बिलैया बार बार जो कर रही थी बिलैया के मारने को लिए दौड़ी, लेकिन बिलैया उसके सिर के पास भी बैठ के कर रही है, चटर बुढ़िया पटर बुढ़िया, नटनी के मांस बुढ़िया, कटर बुढ़िया मटर बुढ़िया, खाली बुढ़िया सोजो बुढ़िया, ऐसे कर रही बिलैया। ले ये बेचारा मार रहा बिलैया कि भल ना मेरा पोल खुल जाए। बुढ़िया खा पी के सो गई। जब सो गई तो जब मनुष्य का मांस खाती थी तो इसको नींद आ जाता था, रक्सिनिया को, रक्सिनिया को नींद आ जाता था। ये बेचारा क्या किया कि उसको रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया और दिन में दिन भर रह गया था उसके नतनी के साथ। तो उसको नतनी जो था वो पूरा चीज़ दिखाया था कि देखो मेरा नानी ऐसे लाती है, ऐसे जेवर है, ऐसे गहना है, ऐसे है पैसा, ये है वो है। ये बेचारा सब कुछ देख लिया था, देख लिया था। ये क्या किया कि पूरा घर में उसको ढूंढ के, उसको बांध के और उसको घर में ढूंढ ढांड के और जेवर गहना जो भी था सो सब बटोर के एक बोरिया में बांध के और निकल गया, निकल गया अपना घर चल गया, मनाते चल गया, हे भगवान मुझे रक्षा कीजिए, भगवान मुझे रक्षा कीजिए, बुढ़िया के चंगुल से बचा लीजिए महाराज, हे शंकर भगवान मुझ पे रहम कीजिए और मेरा जो सूरत था वही दे दीजिए, उसका नतनी का रूप उसके पास रह जाए, मेरा नहीं। और ऐसे कह के और याद आ गया अपने माता पिता को, अपने घर चल गया। अपने जब घर चल गया रातें रात घर पहुँच गया और जब सुबह हुआ तो बुढ़िया चिल्लाने लगी, बुढ़िया चिल्लाने लगी मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे बांध दिया है मुझे बचाओ। और अगल बगल के पड़ोस के लोग आए दौड़ के देखे बुढ़िया रक्सिनिया चिल्ला रही है, क्या हुआ है, लगता है कुछ हुआ है। लोग देख रहे हैं कि बुढ़िया बंधी हुई है, लोग दया के मारे खोल दिए। जब दया के मारे खोल दिए तो बुढ़िया देख रही है कि मेरा घर में कोई नहीं है, मेरा नातिन भी नहीं है, ना मेरा जेवर है ना गहना है। ओ बुढ़िया चिल्लाने लगी, बुढ़िया चिल्लाने लगी, सोचिए अरे मेरा नातिन सच्चे कह रही थी, बिलैया सच्चे कह रही थी, नतनी के मांस बुढ़िया कटर मटर, ये क्या किया, लगता है मेरा नतिनिया के बना के दे दिया है और ये मेरा जेवर गहना लूट के लेके चल गया है, लगता है जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, उसी कूलर के पास जाएगा, इसका घर परिवार तो ही होगा, चले कूलर के पास। ये जब गुल्लर के पास गया, बुढ़िया पहुँची गुल्लर के पास, जैसा ही गुल्लर के छाई इसको लगा, जैसा ही बुढ़िया का शरीर पूरा कोढ़िया हो गया, पूरा इतना कोढ़िया हो गया, पूरा इसका शरीर से रीम पी खून बहने लगा, पूरा इतना गमकने लगा, बदबू आने लगा। जब बदबू आने लगा तब इसको भगवान का ख्याल आया, भगवान ये क्या किए, मुझे कोढ़िया क्यों बना दिए, मेरा शरीर गलगल के गिरने लगा, रीम पीर गिरने लगा, भगवान मुझ पर दया कीजिए। वहाँ शंकर भगवान प्रकट हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो गए, बुढ़िया को बोले पापी बुढ़िया तू उस बच्चे को मारना चाहती थी, वो बच्चा मेरा बहुत बड़ा भक्त था, मेरा 400 घंटा दिल में बसा के रखता था, जो बच्चा कहा उसको बच्चा को हम स्वीकार किए हैं,
तू बच्चा को मारने चली थी, कितना बच्चा को खाई, कितना मनुष्य को खा पी के आ जा गई, अब तुम भुगतो, तुम्हारा नरक मिलेगा, नरक मिल रहा है, तू नरक में डूबी लगा के रहना। ये जो शरीर है तुम्हारा गलगल के गिरते रहेगा, तुम्हारा किसी काया काम में नहीं आएगा, तुम्हारा शरीर काम में नहीं आएगा, तुम पे कोई भगवान तरस नहीं करेंगे। जो भी तू पाप किया है वो पाप का दंड भागीदारी बन गई हो, अब तुम्हें कोई सहायता नहीं करेगा। ओ बुढ़िया कलट के तड़प के जितना जिन जी लेकिन कभी सुख नहीं मिला, वो कलटते तड़पते रह गई। और गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।